जहाँ जहाँ तक भी नजर आ रही है ये आ रही है ये यार। सो मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड यार फाइनली गुड मॉर्निंग हो चुकी है। एंड यार सामने का व्यू मैं आपको दिखाऊंगा, आपने कल भी देखा होगा। एंड यार हमने रात को टेंट लिया था यहाँ पे, आप देख सकते हो काफ़ी ऑसम व्यू है। एंड यार यहाँ पे काफ़ी अच्छा वेदर है और जो हमने टेंट लिया है वो भी मतलब काफ़ी रीजनेबल है। सो अगर कोई आए तो यहाँ पे विज़िट करे एक बार यहाँ, एंड इस जगह का आनंद ले। जो रिटर्न रहेगा आज वो रहेगा 12 बजे के आसपास, तो हम उस टाइम निकल जाएंगे। तो गाइस यार ये था पूरा ब्लॉग, तो यार कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना है। यार गाइस मणिकरण जाते वक्त भी कुछ उस तरह की पहाड़ियाँ आती हैं जैसे आप देख रहे हो ऊपर। ये जब हम मनाला जा रहे थे तो उस वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था, तो सेम कुछ वैसा ही है यहाँ पे भी। अभी मैं पहुंच चुका हूं मणिकरण, एंड आप देख रहे हो लेफ्ट साइड में मेरे मणिकरण है। ये गाइस ये पूरी पार्किंग है, यहां पे आप पार्क करके नीचे जा सकते हो। इधर ये देख सकते हो ये सारा मणिकरण है। जय भोले भंडारी, हर हर महादेव। गाइज यार चेक इन द व्यू, क्या मस्त व्यू है गाइज यार, कसम से यार क्या ही तो बोलूँ मैं आप लोगों को यार, क्या फील हो रहा है यार। मणिकरण से आगे आगे फूल पड़ता है, आप ये देख सकते हो जो पार्वती रिवर है आ रही है, ये मणिकरण होके डोब डैम जाके मिलती है गाइज। ये अभी पिछले ब्लॉग में देखा होगा जो मैंने मंडो डैम आपको दिखाया, इधर इस तरफ से चेक इन करो व्यू मणिकरण का, कैसा लग रहा है मणिकरण का व्यू यार। अभी मणिकरण से आगे आगे बरसेनी पड़ता है, एंड बरसेनी में मतलब यहाँ के लोकल मोमोज देसी आटे यहाँ पे किस चीज़ की होती है, सेब की या गुड़ की। बाय बाय बाय। तो गाइस यार ये आगे मार्केट में काफी तगड़ा जाम लगा हुआ है। तो यार गाइस भी हम पहुंच चुके हैं बरसेनी डैम के पास, सामने दिख रहा है ये है कलगा, एंड जो सेकंड गांव दिख रहा है ये है तुलगा, एंड उसके साथ में आ जाता है गाइस यहाँ पुलगा। सो ये कलगा तुलगा एंड पुलगा ये एक ही लाइन में गए हैं। ये कोई तीन बहनें हुआ करती थी, उसके नाम पे ये पूरे गांव बसे हुए हैं जो आप देख सकते हो, कलगा तुलगा एंड पुलगा। सो गाइस यार बरसेनी डैम के पीछे एक मंदिर आता है जो कि मलाना के जो देवता हैं उनके बड़े भाई हैं, उनका मंदिर यहाँ पे जो आपको ये सामने दिख रहा है। सो गाइस यार हर साल यहाँ से इनको ले जाया जाता है मनाला, एंड वहाँ
यहाँ पे दो रोड पड़ जाते हैं, ये जो लेफ्ट में जा रहा है ये जा रहा है अपना तोश कीरगंगा, एंड जो राइट में जा रहा है गाइज ये जा रहा है कलगा तुलगा पुलगा। तो गाइज अभी अपन निकल रहे हैं कलगा के लिए, तो अभी वहाँ जाके देखते हैं अभी क्या सीन है। तो लेट्स चेक इन गाइज, चलते फिर। अभी लग चुका है जाम क्योंकि वहाँ की गाड़ी फंस चुकी है, अरे यार और साइड में से निकालने की कोशिश निकल गई। ये गाइस यहाँ पे गाड़ी हमारी पत्थर में फंस चुकी है, नीचे लगी ना भैया, टच हो गए। तो गाइस यार आज मुझे तीसरा दिन है ये ऑफ रोडिंग करते हुए, तो आज फाइनली कलगा में भी अरे 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 ऑफ रोडिंग का आनंद ले रहे गाइस। तो ओह माय गॉड शिशिर भाई है ना, बहुत डेंजर है भाई। तो यार गाइस कौन कौन आना चाहता है यहाँ पे यार, प्लीज यार डीएम करके जरूर बताना यार, अगर जो भी आना चाहता है तो एक लाइक एंड कमेंट जरूर करना। एंड यार एंड जिसको नेचर एंड अपना ऑफ रोडिंग पसंद है गाइस यहाँ आ सकता है बंदा कलगा पुलगा, एंड डेंजर है ना। ओ यार गाइस हैं ये कहाँ फिर गाइस, थोड़ा अभी मैं रास्ता भटक गया था, तो अभी आपने देखा होगा जहाँ से मैं नीचे राइट हुआ हूँ वो एक सीधी रोड जा रही है, तो यहाँ से मैं थोड़ा सा यू टर्न लेके एंड फिर जाऊँगा गाइस। यहाँ की थोड़ी और चढ़ाई चालू हो रही है, तो अभी देखते हैं क्या बनता है। आने के जा रहे भैया, ओए ओए यार, जहाँ से अभी हम लेफ्ट ऊपर आए थे तो थोड़ा सा आगे आगे हमने बाइक कोई 400 मीटर का ऊपर का ट्रैक है। एंड यार गाइस थर्ड डे में दूसरी बार ट्रैकिंग चालू हो रही है कलगा के लिए, सो बने रहिए, अपना सेटअप पूरा पीछे तैयार हो चुका है। चढ़ाई देख के तो गाइस यार फिर से मेरी हालत ख़राब होगी यार, गाइस यार फिर चढ़ना पड़ेगा गाइस यार, अब क्या करें, अब कलगा देखना है, सो गाइस यार ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। एंड यार वहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू दिख जाता है एंड काफी अच्छा नेचर दिख जाता है, जो फील नेचर। पत्थर देख लो कितना बड़ा पत्थर है यार, देख के उसने टांग यार, सबकी हालत हाउ इज योर फीलिंग संजू भाई यार। सो गाइस यार काफी मशक्कत के बाद हम पहुंच चुके हैं हाइट पे। सो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ कलगा, एंड आपको ये दिख रहा होगा पीछे कैफ़े है, एंड ये पूरा गांव है। अभी थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं और गांव में क्या क्या चीज़ें वो आपको भी दिखाएंगे गाइस, सो बने रहिए। ये भी मैं एंटर हो चुका हूँ कलगा गांव में, एंड बहुत देर बाद गाइस पूछो मत यार ट्रैकिंग, बाप रे बाप। एंड यार सामने काफ़ी अच्छा माउंटेन दिख जाता है जो कि बर्फ की चादरों से ढका पड़ा है, एंड यार देख के दिल बहुत खुश हो जाता है। तो अभी बने रहिए गाइस, हम लोग जाने वाले गुफा में से, और गुफा किस चीज़ की होने वाली है अभी दिखाता हूँ। देख रहे हो गाइस सेब की गुफा, सेब के पेड़ की गुफा, बगीचे में से जाने वाले हैं, ये बगीचा है गाइस पूरा सेब का। सो बहुत मज़ा आता है यार नेचुरल चीज़ हमें देखने को मिल जाए, सो भी सेब तो नहीं है
भी पेड़ है क्योंकि यहाँ का सेब जो सारा निकल चुका है। गोटी क्या हो गया जो देख रहे हो, सेब का पेड़ गिरा हुआ है, काफ़ी सारा सेब बर्बाद हो चुका है यार। ये ट्रैकिंग कर करके भी हालत ख़राब हो गई है। एंड गाइस यार अभी घबराना नहीं, सेब अभी आपको और दिखाएंगे। ये तो एक ट्रेलर था संजू भाई है। सामने एक अपना कॉटेज है कोई, एंड कॉटेज के सामने ही देख रहे हो यार कितना बड़ा पेड़ लगा और सेब देखो, बड़े बड़े सेब है गाइस। ये आई थिंक सो अभी इन्होंने निकाले नहीं है यहाँ से, ये शायद पर्सनल सेब हो सकते हैं कि खुद के खाने के लिए। ऑलमोस्ट सीजन जा चुका है यहाँ से, जो बाद बाद का जो सी ग्रेड सेब होता है वही बचाएगा इसे अभी। एंड ये सारा गांव जो है पूरे सेब के बगीचे में बसा हुआ है। एंड अंदर ही अंदर कैफ़े लॉज वगैरह बने हुए हैं, आके आप लोग यहाँ इन्जॉय कर सकते हो और नेचर को फील कर सकते हो गाइस। एंड गाइस यहाँ पे हमने अभी ले लिया रूम, एंड यार यहाँ अभी हम करेंगे रेस्ट। गाइस बाहर का व्यू दिखाता हूँ मैं गाइस, OMG गाइस सो ब्यूटीफुल यार गाइस, आप देख सकते हो यार जहाँ जहाँ तक भी नजर आ रही है। खूबसूरत किसी और कुछ नहीं है गाइस यहाँ पे यार, अपनी आंखों पे ही यकीन नहीं होता कि गाइस कोई ऐसा भी व्यू है जो हमें देखने को मिला। सामने गांव दिख रहा है आपको वो है तोश, एंड सामने ये है भी कलगाम व्यू है पीछे का, वो भी आप चेकआउट कर सकते हो गाइस। सामने आपको पहाड़ियाँ नजर आ रही होंगी जो कि यार पूरी बर्फ से ढकी पड़ रही है गाइस यार, ऑसम। एंड यार यहाँ कलगाम में आके जो एक खीर गंगा है आपने सुना भी होगा, एंड जो हंसरा भाई जी हमारे उन्होंने गाना गाया हुआ है, चलो कसोल करेंगे कलोल खीर गंगा जाएंगे जाएंगे तोपसी। सो गाइज वो इन्हीं जगह को लेके गाया हुआ है कि यहाँ से गाइज जो ट्रैक है खीर गंगा का चालू होता है, एंड यहाँ से आगे जाके आपको खीर गंगा पड़ता है। एंड तोस मैंने आपको दिखाई दिया है कहाँ पे है। सो गाइज कैसा लगा आपको ये ब्लॉग और कैसा फील कर रहे हो, सो गाइज यार कमेंट में ज़रूर बताना। सो गाइज थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो टिल देन एंड